हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, बीएससी सेकंड ईयर हम एक्सरसाइज कर रहे थे फिफ्थ बी सिमल्टेनियस इक्वेशन। देखो, काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कर चुके थे और कुछ क्वेश्चन मैं चाह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट और भी आपसे जो ना हो वो मैं करा दूँ, इसलिए मैं यहाँ पे अभी उसी का सोल्यूशन ले रहे हैं। ठीक है, आज से हम लास्ट इसको लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने, yz-y2। वैसे इतने सवालों को करने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि सवालों को करना कैसे है। ठीक है, x²-kzx-ky² इक्वल टू dz/zx-y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल को करने में आपको सबसे पहले तरीका बता देता हूँ भाई, इस ये सवाल लेके बैठ जाओ, मतलब उसके बाद धीरे धीरे से सब कुछ मैच करते जाओ कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे ब्रैकेट में आ रहा है x-y, तो x-y और इस तरह से कोई टर्म अगर इनमें कुछ बन जाए तो ये एक कॉन्स्टेंट टर्म बन सकती है। ठीक है, और नहीं बनती है तो मल्टीप्लाई होगा, जैसे zx है, ठीक है, माइनस के zy है, तो ये देखो zx, ये zy, तो इनसे कट सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको तरीका ढूंढना है कि किस हिसाब से हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे माइनस का 1 मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये वैसे स्क्वायर है, ये वैसे स्क्वायर है, तो ये कट सकता है। ये y² दोनों सेम साइन के हैं, तो दोनों में से कोई एक माइनस लगा दो। ठीक है, अगर ये माइनस कर देता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इससे आराम से कट जाएंगे। ठीक है, और ये माइनस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा yz। यहाँ पे देखो, ये yz किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, और माइनस की zx से zx कट जाएगा, इसका मतलब काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो माइनस के 1, ठीक है, प्लस के 1 और प्लस के 1 गुणक लेने पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये चीज कैरी करते हैं, तो ये जाएगा माइनस के dx और प्लस के dy और प्लस के dz। नीचे देखिए क्या है, x² माइनस का प्लस का yz प्लस का y² और प्लस का x² माइनस के zx प्लस के सॉरी माइनस के ही y² और प्लस के zx और माइनस के zy, राइट। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, y² से y² zx से zx और yz से yz, तो माइनस के dx प्लस के dy प्लस के dz अपॉन 0 हो गया। 0 सिंपल टर्म बन गई, यानी कि माइनस के dx प्लस dy प्लस dz बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। और इंटीग्रेशन करते हैं हम बाय इंटीग्रेशन, तो हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस के dx यानी कि माइनस का x प्लस y और प्लस z बराबर में 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक तो आपके पास ही हो गया आंसर। और इसके बाद सेकंड जो केस है हमारा, यानी कि एक बार और समीकरण बनानी होती है, तो सेकंड के लिए हम क्या लेके चलें आप बता दीजिए भाई। हम ऐसा करते हैं कि x से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक है, y से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, तो देखो कोई कुछ टर्म बन सकती है, x dx, ठीक है, और माइनस के y dy, ये वही करके देखते हैं। तो ये जाएगा x³ - kxyz - kxy² ठीक है, और माइनस के x² में इसमें क्या देगा, x²y और माइनस यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस के zxy और यहाँ जाएगा प्लस के y³ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू में क्या है, dz/zx-y। मैं आपको बताया था किसी भी टर्म से ले सकते हो आप, ऐसा नहीं है जरूरी कि
यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी करना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हर सवाल में बस टर्म को इजी बनाना है, ठीक है। तो मैं इसलिए इस सवाल को लिया था कि यहाँ पर भी देखो कुछ ना कुछ टर्म इजी बन रही है, आप खुद देखोगे। एक तो यह कट रहा है एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड, ठीक है, यही टर्म कट रही है बस। बाकी टर्म में क्या है, एक्स डी एक्स माइनस के वाई डी वाई, और नीचे देखो एक्स क्यूब आ रहा है माइनस के एक्स वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर वाई प्लस में वाई क्यूब। अब इनमें कुछ ना कुछ कॉमन तो आएगा ही, जिससे यहाँ से वैल्यू कट जाए। अगर एक्स माइनस वाई भी बन जाए कॉमन में तो भी काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, अरे कॉमन क्या क्या सकता है, मैं चलो यहाँ ले लेता हूँ जिससे बार पन्ना पलटना नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप लोगों को भी दिक्कत होती होगी। तो यहाँ देखो कॉमन एक्स, इसमें से लेते हैं कॉमन, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब है यहाँ पे स्क्वायर है, तो मैक्सिमम चीज कॉमन आ जाएगी ना, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों में से कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया एक्स माइनस, यहाँ क्या बच गया वाई, क्लियर। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस के वाई का ले लू कॉमन, तो यहाँ जाएगा वाई माइनस के एक्स, उल्टा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डी जेड अपॉन जेड हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो वो एक्स माइनस वाई में बदल जाएगा, ठीक है। अब मैं कर लेता हूँ, चलो मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। यहाँ हो जाएगा आपके पास एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस के वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा जेड एक्स माइनस वाई, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा कैंसिल एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल, ठीक है। और अब हम यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करना है ऊपर वाले टर्म में, तो जो टर्म बची है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग नीचे क्या बचा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये बचा है। तो ये मैं नीचे मान लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर में टी, ठीक है, स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल टू में क्या बचा है टी बचा है, मैं टी ले लेते हैं एक तरफ से, इसको समाकलन करना है मुझे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा टू एक्स डी एक्स माइनस के टू वाई डी वाई बराबर डी टी, और टू कॉमन ले लूं मैं तो एक्स डी एक्स माइनस के वाई डी वाई बराबर डी टी बाई टू, तो उनसे दो कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई की आ जाएगा डी टी, ठीक है, और इसी जगह पे क्या आ जाएगा टी और डी टी बाई टू, ठीक है, डी जेड बाई जेड बाई इंटीग्रेशन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वन बाई टू लॉग टी और लॉग जेड प्लस सी टू, ठीक है, तो टी वन बाई टू पर आ जाएगा मान लो, तो आप वैल्यू रख लो किसकी, टी की वैल्यू रख दो लॉग एस स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर की पावर वन बाई टू लॉग जेड प्लस सी टू, ठीक है, या लॉग सी टू ले लो, इससे सारी वैल्यू कट जाएगी ना, लॉग सी टू लॉग से लॉग कट गया एस स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर की पावर वन बाई टू बराबर यहाँ पे क्या आ गया जेड सी टू, ठीक है, बस इतना ही काफी है। चलो जेड नीचे ले आओ सी टू आगे में छोड़ दो, ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। और दोनों को मिलाकर समीकरण नंबर एक और दो को मिलाकर आपका प्रॉपरली आंसर बन गया। तो आपको करने के लिए चाहे कैसे मेथड लगाना पड़े, लेकिन आपको करना आना चाहिए। मेथड आपको सामने एक और भी आ गया कि हम इस तरह से भी कंपेयर करके और वैल्यू कट करके इजी बना सकते हैं। इजी बनाना है एंड में आंसर निकालना है, मतलब कि इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए, बस मेन बात तो ये, ठीक है। चलते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं।
हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें देखिए क्या हो सकता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं यहाँ पे 21 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, डी एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई बराबर डी वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई बराबर डी जेड अपॉन जेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें देखिए हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकालना है। नीचे साइन और कॉस की टर्म दे रखी है, लेकिन एक्स प्लस वाई है, तो कुछ ना कुछ रिलेट हो रहा है यहाँ पर। तो कैसे सॉल्व करें, काफी सोचने के बाद में यहाँ पर एक टर्म बनी है। एक तरह से हम शो कर सकते हैं कि डी एक्स माइनस डी वाई, ठीक है, और डी एक्स प्लस डी वाई, यानी कि एक बार हम उसको जोड़ दें और एक बार हम उसको घटा दें, ठीक है। तो कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, डी एक्स प्लस डी वाई और ये रहेगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो है माइनस और नीचे है प्लस, तो इंटीग्रेशन अगर हम करें तो आपको देखिए नीचे वाले का इंटीग्रेशन ऊपर मौजूद है, क्योंकि कोस करो तो क्या आएगा माइनस के साइन, और साइन करो तो क्या आएगा कोस। आप फिर टी वाने कर लो, देखिए आप कोस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई को अगर टी मान लेते हैं तो आप खुद देखिए कोस क्या हो जाता है माइनस के साइन एक्स प्लस वाई, अगर ऐसा करोगे तो डी एक्स, वाई करोगे तो डी वाई, तो डी एक्स और डी वाई दोनों मौजूद है, ठीक है। प्लस साइन का क्या हो जाता है कोस एक्स प्लस वाई, एक्स का डी एक्स वाई का डी वाई दोनों ही यहाँ पर है, तो कॉमन में क्या आ जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई, ठीक है, बराबर में डी टी। तो ये कोई टर्म जो है ऊपर विद्यमान है, ऊपर है हमारे पास, तो ये तरह से हम नीचे टी मानेंगे तो डी टी अपॉन टी हो जाएगा, उसका क्या होगा लॉग होगा, तो सीधा सीधा कर दें तो आपको आता ही है, इतना भी नहीं आता तो फिर तो दिक्कत है भाई पास होने में भी। तो लॉग बाय इंटीग्रेशन हम करते हैं तो ये जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर अगर मैं करूं तो डी एक्स का क्या हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर वाई का क्या हो जाएगा डी वाई, और साथ में क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट, चाहे तो आप सी मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लॉग पटा देता हूँ तो ई की पावर में चढ़ जाएगा, तो कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई, साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, ठीक है, नहीं तब तो नीचे वाली आ रही ना प्लस का आएगा, और ई की पावर एक्स माइनस वाई, ठीक है, प्लस मारो सी वन, इसको मैं इधर ले आऊँ तो कॉस प्लस सी वन के मल्टीप्लाई में ले लूँ, ठीक है, तो कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई और ई की पावर वाई माइनस एक्स कर दूँ इधर ले आऊँगा तो घुमा के, ठीक है। तो ये तो एक आपका हो गया नंबर एक, आंसर तो एक बन गया ही है। अब सेकंड आपको बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डी एक्स प्लस डी वाई ले लेते हैं और साथ में लेते हैं डी जेड अपॉन जेड, ठीक है, इससे टर्म बन जाएगी। एक टर्म होती है हमारे पास, आप बताता हूँ कैसे होती हो, ठीक है। दोबारा हम जो कर रहे हैं उसमें हम जो टर्म लेके चल रहे हैं वो क्या है, अगेन
कि dx प्लस डी वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई, डी एक्स प्लस डी वाई कर दिया और इक्वल टू में ले लिया मैंने डी जेड अपॉन जेड, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको जो चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, कैसे, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई जो है वो आपके पास अगर फॉर्म बनाई जाए तो चेंज हो सकता है किसमें, साइन एक्स प्लस वाई प्लस पाई बाय फोर, क्योंकि साइन पाई बाय फोर ये क्या होता है, कॉस पाई बाय फोर वन अपॉन रूट टू होता है, वन अपॉन रूट टू ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ऐसा होता है। देखो जैसे मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसको, मैं साथ में बता देता हूँ कैसे फॉर्म बनती है। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, साइन ले लो, साइन पाई बाय फोर और कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस पाई बाय फोर साइन एक्स प्लस वाई, क्योंकि कॉस पाई बाय फोर साइन पाई बाय फोर क्या होता है, वन बाय टू होता है, वन अपॉन रूट टू, वही वन अपॉन रूट टू को मैंने ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क थोड़ा पड़ा, वन अपॉन रूट टू को मल्टीप्लाई नीचे भी कर दिया दोनों तरफ और ऊपर भी कर दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन नीचे क्या फर्क पड़ गया कि साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है, तो क्या हो गया साइन ए प्लस बी, तो एक्स प्लस वाई प्लस बी यानी कि पाई बाय फोर, ठीक है, ये टर्म बन गई। अब हम यहाँ पर इजीली वन अपॉन रूट टू को यहाँ भेज देता हूँ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई प्लस फाइव बाई फोर और ये हो जाएगा टू डी जेड अपॉन जेड और साइन जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक, ठीक है, कोसेक का निकालना है हमको, कोसेक एक्स प्लस फाइव फाइव बाई फोर डी एक्स प्लस डी वाई, ठीक है, इतना टर्म बन गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। तो कोस बाय इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोसेक का क्या होता है लॉग टेन पाई बाय टू होता है यानी कि, तो पाई बाय फोर का हो जाएगा पाई बाय एट प्लस वन बाय टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, और प्लस लॉग सी टू और चाहे तो डी जेड ले लो रूट टू लॉग जेड, ठीक है, बस लॉग से लॉग कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा टेन पाई बाय फोर है, इसको मैं अगर पाई बाय टू में चेंज कर दूं, ठीक है, तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई करूंगा मैं वन बाय टू में, तो चाहे तो ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, पाई बाय एट प्लस वन बाय टू एक्स प्लस वाई और सी टू बराबर रूट टू जेड, ठीक है, रूट टू जेड का मतलब जेड के साथ में आ जाएगा रूट टू, ठीक है, जेड की पावर में चला जाएगा रूट टू, बस ये आपका हो गया, ठीक है। तो एक और दो को मिलाकर आपने जो सोल्यूशन निकाला वो आपका क्लियर हो गया। तो ऐसे इस बाकी क्वेश्चंस भी आपको इसमें करने हैं, काफी सारे पैटर्न मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस जैसा भी मैंने किया था क्वेश्चन से पहले वाला क्वेश्चन नंबर 16 वैसे ही सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 वो आप खुद करेंगे। यहाँ पर देखो 16 क्वेश्चन में क्या था, डी एक्स डी वाई था, नीचे वैल्यू जो यहाँ पर माइनस की थी, और 17 क्वेश्चन है उसके अंदर क्या वैल्यू प्लस की है। यहाँ पर जो हमने क्या किया था टर्म आपने ये जो लेके चले थे वो तो आप इसमें सेट कर ही लोगे कि कहाँ पर माइनस कहाँ प्लस आएगा, और इस वाली टर्म में चले थे उसमें माइनस जगह पे प्लस रख देना वैल्यू आप पास वो भी आ जाएगी। तो पैटर्न आपको बता दिए, आगे प्रैक्टिस आपको करनी है, आप जो नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलेंगे उसमें हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।